हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू लवली किचन। आइए मेरे साथ में सीखते हैं एक और नए तरह का सैलड, जो कि हमको कच्ची सब्जियां खानी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको वर्जन सिखा रही हूँ हमको कैसे कैसे कच्ची सब्जियां और मिक्स फ्रूट करके भी खा सकते हैं। आज मैं जो आपको सैलड सिखाने वाली हूँ, वो उसको अगर थाई टेस्ट बोलते हैं, नाम क्या मुझे आइडिया नहीं, बट बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीजों से बनता है। गुड़ उसमें डालते हैं जो कि हेल्दी हो जाता है। थोड़ी थोड़ी चीजें जैसे चिली सॉस हो गई, पीनट बटर हो गया, तो इन चीजों से उसकी बनती है जो उसमें सॉस, जो वेजिटेबल हम डालते हैं जिसको ड्रेसिंग बोलते हैं। तो पहले हम रेडी करते हैं ड्रेसिंग कैसे बनती है, फिर उसके बाद उसमें सब्जियां ऐड करके बनाएंगे अपना सैलड, जो कि फ्रिज में ठंडा करके खाते हैं। चलिए सीखते हैं कैसे। चलिए चलिए झटपट झटपट सीखते हैं एक तरह का सैलड जिसको थाई सैलड बोलते हैं, उसकी ड्रेसिंग कैसे बनानी है पहले हम वो सीखेंगे। बहुत ही इजी होती है लेकिन बहुत ही झटपट बनती है और टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है। सिंपल चीजों से बनेगी। ये थोड़ा सा मैंने लहसुन कूट के लिया है, लहसुन से कम अदरक लेना है, ये आधा नींबू लेना है, छोटा नींबू है, पूरा भी डाल सकते हैं लेकिन मैं आधा लूंगी। और ये वाला ऑलिव ऑयल जो ऑयल है ये वाला थोड़ा डालेंगे। और ये चिली सॉस एक चम्मच, एक चम्मच ऑयल, एक चम्मच चिली सॉस, एक चम्मच ही सोया सॉस, और ये एक चम्मच पीनट बटर। कौन सी चम्मच लेंगे आप, जो खाने वाली चम्मच है, ये मैं आपको बता रही हूँ इस चम्मच का, जो खाने वाली चम्मच है। एक चम्मच डालूंगी इसमें से पीनट बटर, देखिए कैसे आपको भर के लेना है, बस इससे ज्यादा नहीं लेना, एक चम्मच। एक चम्मच पीनट बटर लेंगे। और ये देखिए ये है गुड़, ये नरम वाला ऑर्गेनिक वाला गुड़ है, अच्छा है, इसको हाथ से ऐसे मैश करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए एक चम्मच पीनट बटर, ये थोड़ा सा गुड़, लहसुन अदरक और टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक, और एक एक चम्मच ये डालेंगे और मस्त वाली बनेगी इसकी ड्रेसिंग। फिर हम इसको ऐड करेंगे अपनी सुंदर प्यारी वाली जो भी आपको वेजिटेबल अच्छी लगती है वो लीजिए, और उसको मिक्स करके इसकी ड्रेसिंग बना के मैं आपको दिखाती हूँ झटपट फटाफट। ये देखिए मेरी ड्रेसिंग ये रेडी, गुड़ वाली खट्टी मीठी, बहुत ही सुंदर प्यारा टेस्ट है, और इसकी खुशबू भी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको आप फ्रिज में बना के रख सकते हैं, डाल के रख सकते हैं, इसमें कोई भी आप सब्जी डाल के भी पका के भी खा सकते हैं, कच्चे में भी खा सकते हैं। अब मैं इसकी कच्ची सब्जियां रेडी करती हूँ। सबसे पहले जो भी ये आपके पास में जो भी घर पे सब्जियां ना ले लीजिए, लेकिन ये कंपल्सरी लेना आपको, ये येलो वाला, रेड वाला, जो भी है शिमला मिर्ची, गाजर भी ले सकते हैं, लेकिन बीन्स नहीं लेना, आपको वही लेना जो कि कच्चा खाना है, जिसको हम कच्चा खा सकते हैं, क्योंकि शिमला मिर्ची को कच्चा खा सकते हैं। इसको छोटे छोटे पीसेस में आपको कट कर लेना, ये देखिए ऐसे छोटे छोटे। अब मैं इसको भी करूंगी, काटूंगी इसको भी काटूंगी, और ग्रीन वाली शिमला भी कट करूंगी, गाजर भी कट करूंगी, और कंपल्सरी है ककड़ी, ककड़ी जरूर कट करनी है। और इसमें कट करूंगी मैं एक मैंगो भी, जो आपको दिखाती हूँ, आपूस वाला मैंगो लेना, अच्छा वाला मैंगो, वो भी आपको मैं कट करके दिखाती हूँ। ये जो सैलड बनता है ना, इसके अंदर वेजिटेबल कच्ची वाली जो खानी है, बट वेजिटेबल से उतना टेस्ट कभी कभी नहीं आता, क्योंकि सॉस हमारी जो खट्टी मीठी बनी है, इसके लिए हमको फ्रूट भी कोई ना कोई ऐड करना, आपको जो खा जाए। आजकल मौसम है मैंगो का, तो मैंगो अच्छा लगता है खाने को, इसके भी स्लाइसेस मैं कट करूंगी मैंगो के, और मिक्स करके एक बड़ा सा बाउल भर के उसमें ऐड करेंगे अपनी सॉस, और मेरा झटपट थाई सैलड रेडी, आपको घर पे बना के खाना है। और ये सॉस का ये फायदा है, अगर आपने फ्रिज में बना के रखी है तो इन सब्जियों को थोड़ा पका के भी खा सकते हो, सब्जी के फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन हम आज खाने वाले हैं इसको कच्चे सैलड के रूप में। कोई भी फ्रूट लीजिए, एक आधा फ्रूट जरूर उसमें ऐड कीजिए। तो मैं ऐड कर रही हूँ मैंगो, कट करके मैं बाउल में आपको रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा सैलड रेडी, शिमला मैंगो, रेड येलो गाजर, यही सब डाली। इसमें आप पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली है क्योंकि मेरे को पत्ता गोभी नहीं अच्छी लगती, तो इसका टेस्ट बहुत ही सुंदर आने वाला है। और ऐसे ही मैं फ्रिज में बना के रखती हूँ सॉस, जितना टेस्ट सही आपको थोड़ा सा उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये जो ड्रेसिंग, इसको बोलते हैं ड्रेसिंग, ऐसा वाला सैलड बनाइए, खाइए, और फ्रिज में ठंडा करके खाना है, थोड़ा सा ज्यादा, एकदम बर्फ नहीं कर लेना, थोड़ा सा लाइट ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म नहीं खाते हैं। बस मिक्स करके जब भी खाना आपको आधा घंटा पहले इसको रख लीजिए, और बनाइए, खाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। देखिए मेरा रेडी है सैलड, इसको मैंने फ्रिज में रखा, और ये देखिए एकदम इसका ना ये जो ये सॉस के साथ ड्रेसिंग के कारण ना ये जूसी हो जाता है, तो इसको खाने में बहुत ही मजा आता है, बच्चों को बहुत मजा आएगा,
जो लोग डाइटिंग करते हैं उनको बड़ा मजा आएगा, कुछ अलग सा टेस्ट लगेगा आपको। खाएंगे जरूर, बना के देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा लिख के कमेंट्स में कि आपने बनाया और फोटो भेजिएगा। हेल्दी है खाना, जरूरी है। कोई भी फ्रूट ऐड कर लीजिए, पत्ता गोभी डाल लीजिए, बट ऐसी चीजें डालिए जो कि आप अच्छी हजम कर सकते हैं, जो कि पकाने वाली कच्ची पेट दुखे वो नहीं डालना है। तो बनाइए, खाइए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। मेरे बढ़िया बढ़िया वाले प्यारे प्यारे से सैलेड का मजा लीजिए, जिसको हम सलाद बोलते हैं, लेकिन ये सॉसेस के साथ में, ड्रेसिंग के साथ में थोड़ी मजेदार हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।